हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा शॉर्ट स्टोरीज। क्लास 12 की प्रोज पोएट्री के अलावा जो शॉर्ट स्टोरीज हैं इनको डिस्कस करेंगे। शॉर्ट स्टोरीज जैसे कि कहते हैं संक्षेप में कहानियाँ, चार शॉर्ट स्टोरीज हैं। और जैसा कि आपको पता है 30% सिलेबस लेस हुआ है, तो एक लेसन कम कर दिया गया है इसमें से। तो शॉर्ट स्टोरी सभी चार हैं, आपको तीन पढ़ना है, जिसमें सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी है द गोल्ड वॉच। द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, जिसे लिखा है पुंजिकरा रेफी ने। ये पहली स्टोरी है आपकी। तो इसकी कहानी की बात की जाए, ये लिखे हैं इसके करेक्टर्स। तो देखते हैं पहले इसके करेक्टर्स कौन कौन से हैं और इसकी स्टोरी क्या है। तो सबसे पहला करेक्टर है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शंकु। ये कह सकते हैं शंकु कौन है, शंकु स्टोरी का हीरो है। तो शंकु से कहानी स्टार्ट होती है। दूसरा करेक्टर क्या है, उसकी पत्नी है, शंकु की पत्नी, उसका नाम नहीं दिया है। और उसके दो बच्चे हैं और ये होती है प्रेग्नेंट। इसका थर्ड बेबी आने ही वाला होता है, मतलब थर्ड बेबी वाज अबाउट टू कम। और एक ये गलत गया, लोनाप्पन है, ये लोनाप्पन एक करेक्टर ये है, और एक इंजीनियर है। तो बात की जाए इसके करेक्टर की, तो मेन करेक्टर यही है शंकु, और दूसरा शंकु की वाइफ, और तीसरा लोनप्पन है ये, और इंजीनियर। तो मेन करेक्टर ये तीन हैं, ये इन पर कहानी चलती है। और बात की जाए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर ये हैं, इन दोनों की कहानी है जिसमें ये हीरो है। तो कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है। शंकु जो था बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो इसे रात में नींद नहीं आती थी, कई रात से ये सो नहीं पाया था। रीज़न क्या था, ये बहुत पुअर था, इतना पुअर था कि अपने परिवार का सपोर्ट करने में असमर्थ था। है नहीं, ही वाज सो पुअर दैट ही वाज अनेबल टू सपोर्ट हिज फैमिली। इतना ज़्यादा गरीब था ये, कई लोगों का इस पर कर्ज था, कि कभी दूध वाले का कर्ज, दुकान से बीड़ी ले आया उसका कर्ज, उसकी पत्नी ने एक मछली वाली थी मछुआरी, उससे मछली उधार ले ली थी, उसका कर्ज, बहुत सारे कर्ज थे इस पर। ये कर्ज में शंकु डूबा हुआ था बहुत बुरी तरह से। तो ये रात भर यही विचार करता रहता था कि क्या किया जाए, कैसे कर्ज चुकाए जाएं। अपनी आंखें बंद कर लेता था, तब भी इसे उस वो कर्ज स्पष्ट दिखाई पड़ते थे, सो मतलब इसलिए नींद नहीं आती थी। रातों में करवटे बदलता था, उछलता था, परेशान था बिल्कुल। अब क्या हुआ, एक फैक्ट्री में काम करता था ये, उसी फैक्ट्री में था एक इंजीनियर। जिस फैक्ट्री में काम करता था ये, उस फैक्ट्री में एक इंजीनियर था। इंजीनियर कैसा था, मोटा मोटा, छोटा, गोरा, ऐसा व्यक्ति था ये। इसके पास एक घड़ी थी सोने की, इसके पास सोने की घड़ी थी। तो इसने ये विचार बनाया था शंकु ने, कि जो इसकी इंजीनियर की सोने की घड़ी है, अगर इस घड़ी को मैं चुरा लूँ तो मेरे ऊपर जितने कर्ज हैं उन सभी कर्ज को मैं पे कर सकता हूँ। तो इसके दिमाग में दिन और रात यही विचार रहता था, यही कारण था ये चैन से सो नहीं सकता था, और कई दिनों से ये परेशान था। रात में करवटे बदलता था, रात में जग जाता था, कभी नींद नहीं आती थी, बहुत परेशान था। अब इसने ये विचार किया, अगर मैं इस इंजीनियर की घड़ी चुरा लूँगा तो अपने सारे कर्ज पे कर दूँगा। फिर क्या हुआ, एक दिन ये जैसे तैसे से नींद आई, सो गया। सोकर जब उठा कहाँ था, इसकी पत्नी जो थी, इसकी पत्नी आई, उसने इसे उठाया और कहा कि शंकु क्या तुम्हें आज काम पे नहीं जाना। तो ये उठा और चल दिया। तो जैसे ही उठा तो इसकी पत्नी ने इसे याद दिलाया कि शाम को जब आओ तो दो केले ले आना, बच्चा जब रोता है तो केले मांगता है, मेरे पास दूध भी नहीं है पिलाने के लिए। और एक बच्चा है उसके पूरे शरीर पर, ये दो बच्चे थे ना इसके, एक बच्चे के शरीर पर फुंसियाँ निकल आई थी, तो कहती है इसके लिए मलहम ले आना, मलहम ले आना, और इसके फुंसियाँ बहुत निकल रही हैं। इस तरह से क्या किया, जब इसने इतनी बात से याद दिलाई, और तो किसी तरह से इसने अपनी पत्नी को देखा, उसने ध्यान दिया, ये सोचा कि अरे मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, यानी दो बच्चे तो हैं। उसने ये विचार किया कि ये दो बच्चे तो हैं और तीसरा आने वाला है, यानी दो बच्चों को तो पाल नहीं पा रहा हूँ मैं, तीसरा कहाँ से पालूँगा। तो इसने अपने आप को कोसा, मतलब अपने आप को अभिशाप दिया, कोसा कि बताइए मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ। अब इसने डिसाइड कर लिया, अब जब तक मैं घड़ी नहीं चुराऊँगा तब तक कोई काम नहीं बनेगा, बिना घड़ी चुराए सारे कर्ज मैं चुका नहीं सकता। और इसने ये सोचा कि जब मैं सारे कर्ज चुका दूँगा तो चैन की नींद सोऊँगा, चैन की बंसी बजेगी। फिर क्या हुआ, अब जो है यहाँ चल दिया ये, अब पहुँचा कहाँ, फैक्ट्री।
फैक्ट्री पहुंचने के बाद में जब फैक्ट्री में पहुंचा तो इसने डिसाइड कर लिया कि आज कुछ भी हो जाए, आज तो घड़ी चुराना ही चुराना है। तो शंकु जो है उसने विचार किया कि सारी सिचुएशन इसके माइंड में थी, क्योंकि जब ये इंजीनियर था, जब काम के लिए मतलब जब हो जाता था इंटरवल, इंटरवल हो जाता था तो इंजीनियर क्या करता था, अपनी घड़ी के लिए एक पुस्तक थी उस पुस्तक पर खोल कर रख जाता था, मतलब टेबल रखी हुई थी, टेबल के ऊपर उस घड़ी को उठाया और वहीं रख दिया, मतलब इंटरवल में, बस जैसे कि इंटरवल से पहले हाथ में बंधी रहती थी, जब इंटरवल की घंटी बजती थी तब ये क्या करता था, घड़ी हाथ से खोली और घड़ी वहीं टेबल पर एक बुक के ऊपर रख दी और बाहर लंच करने या खाना खाने चले गए, बाहर चले गए। अब मतलब लंच नहीं, सॉरी, शंकु के दिमाग में विचार था कि हाँ जब ये चला जाता था तो वहाँ पर कोई नहीं रहता था, शंकु रहता था, तो शंकु ने विचार कर लिया कि अब ये चला जाएगा तो मैं इसकी घड़ी चुरा लूँगा, और जब इसकी घड़ी चुरा लूँगा तो यही एक तरीका ऐसा है जिससे मैं अपने सारे कर्ज चुका सकता हूँ। फिर क्या हुआ, अब ये जब इंजीनियर इंटरवल की घंटी बजी तो इंजीनियर ने क्या किया, इंजीनियर उठा, उसने घड़ी खोली अपनी और वहाँ रख दी टेबल पर और बाहर चला गया। शंकु के दिमाग में विचार आ गया कि हाँ आज घड़ी को हर हाल में पार करना है, क्योंकि कई दिन से ये सो नहीं पाया था, ये सोच रहा था कि जब तक मैं घड़ी पार नहीं करूँगा, घड़ी नहीं चुराऊँगा, तब तक मैं अपने सारे कर्ज नहीं चुका सकता, और जब तक मैं सारे कर्ज नहीं चुकाऊँगा तब तक मैं चैन से नहीं सो सकता। ये विचार करते करते इसने क्या किया, जब ये चला गया बाहर, ये चला गया तो अब ये सोच रहा है हाँ अब घड़ी चुराऊँगा। था क्या, एक खिड़की थी, जैसे मान लीजिए ये कमरा है, इस कमरे की खिड़की थी ये वाली, ये खुली हुई रहती थी, वहाँ से देख लेता था ये सब कुछ। अब इसने सोच लिया हाँ अब जब देख लिया उसने कोई नहीं है, कि हर कोई चला गया, इंजीनियर चला गया, वो चला गया, तो शंकु क्या किया, शंकु आगे बढ़ा कमरे में और दो तीन कदम आगे बढ़ा और इसने घड़ी उठाई, मतलब घड़ी उठाने से पहले एक दो बार इधर और देखा, चैन की थोड़ी सांस ली, सोचा कोई नहीं है, फिर और आगे बढ़ा, फिर क्या किया इसने, घड़ी हाथ में ली और तुरंत घड़ी को पजामे की जेब में रख लिया, जेब में रख लिया, दो कदम पीछे हटा, जैसे पीछे हटा तुरंत इसके दिमाग में बहुत सारे विचार आए, इसने सोचा कि ऐसा ना हो कि इंजीनियर आ जाए, लेकिन उसके दिमाग पहले सेट था कि हाँ इंजीनियर तो करीब आधे घंटे बाद आएगा, तब तक काम निपटा देगा। तो शंकु ने क्या किया, चारों तरफ देखा, फिर पीछे हटा, तभी कोई व्यक्ति बरामदे में से गुजरा, तो ऐसा लगा कोई व्यक्ति गया है, वो ज़रूर कोई यहाँ कर्मचारी है यहाँ का, और उसने मुझे देख लिया होगा घड़ी चुराते हुए। अब वो टाइम कीपर द्वारपाल के पास जाएगा या किसी के पास जाएगा और मेरी ये सूचना दे देगा कि शंकु ने घड़ी चुरा ली है। अब क्या हुआ, वहाँ जब ये चला गया तो शंकु दिमाग विचार था कि ऐसा उसको वो कह दे, वो चला गया, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, फिर पीछे हटा, तुरंत इसने और विचार, नए नए विचार आए, इसने सोचा कि ऐसा ना हो अगर मुझे देख लिया किसी ने और मेरी सूचना पहुंच गई तो जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 800 वर्कर्स हैं, 800 कार्यकर्ता हैं, ये सब मुझे देखेंगे घृणा की नज़र से और चोर चोर कहेंगे और मुझे घसीटेंगे इधर से उधर और मुझे हो सकता है नौकरी से निकाल दिया जाए। क्योंकि एक बार एक बरकी नाम का एक कर्मचारी था वहीं पर, उसने एक पुराना छाता चुरा लिया था, तो छाता चुरा लिया था, जरा सा छाता चुराने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। अब ये सोच रहा है इसने तो छाता चुराया था और मैं घड़ी चुरा रहा हूँ सोने की, तो मुझे तो ज़रूर निकाल दिया जाएगा। अब क्या किया इसने, घड़ी को क्या किया, पजामे की जेब से निकाला और घड़ी को वहीं वापस रख दिया। वापस रखने के बाद में आ गया, अपने घर चला आया। इसने ये सोचा कोई बात नहीं है, जिस तरह से लाइफ चल रही है चलेगी, मेहनत करेंगे, अपने सारे कर्ज चुका देंगे, और घड़ी को वहीं रखकर अपने घर चला आया। तो ये है कहानी द लॉस्ट चाइल्ड की, ये थे इसके करेक्टर्स, ये बता दिया ILO है लोनाप्पन, ये क्या था, जो फंड होता है उसका इंचार्ज था, ये बताया नहीं इसके बारे में, बाकी ये करेक्टर तो हैं, यही मेन करेक्टर थे शंकु, शंकु की पत्नी और इंजीनियर। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।